अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या फिर कभी मध्य प्रदेश गए हैं तो आपने कभी ना कभी गली या नुक्कड़ पर जाकर समोसा, पोहा या फिर जलेबी खाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। लेकिन अब न्यूज़पेपर पर नाश्ता परोसना दुकानदार को जेल पहुंचा सकता है। न्यूज़पेपर पर खाना परोसने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी करके फरमान सुनाया है। तो कैसा रहेगा न्यूज़पेपर पर खाना खाने से प्लेट में खाना खाने का सफर, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोग मजे से पोहा, समोसा और जलेबी को खा रहे हैं। लेकिन अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एमपी में अखबार पर खाने की चीजों को परोसने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी दुकानदार अब आपको पोहा, जलेबी या फिर समोसा अखबार पे नहीं परोस सकते हैं। और अगर आदेश के बाद कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी दुकानदार को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे, जिसमें दुकानदारों को अखबार पर समोसा, जलेबी और पोहा न बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये कदम क्यों उठाया गया है। अखबार की स्याही में कई तरह के केमिकल होते हैं, जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में केमिकल शरीर में पहुँचने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, साथ ही पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल और खाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है। अखबार बंद होने को लेकर लोगों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अब पेपरों में खाना नहीं खाना जाएगा, क्या सही आदेश है? हाँ, सही आदेश है बिल्कुल। बहुत नुकसानदायक होता है, आपको क्या लगता है कि काफी ज्यादा नुकसान होगा? हो सकता है। क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए? हो सकता है। और न्यूज़पेपर हम पढ़ने के लिए यूज करें तो ज्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर एक सज्जन है, वो खा भी रहे हैं अभी। आप न्यूज़पेपर में क्या लगता है, आपको खाना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि केमिकल्स भी रहते हैं? हाँ ठीक है, कलेक्टर ने आदेश दिया है तो फिर नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट किए होंगे, तब उन्हें पता केमिकल यूजेस होंगे, उसके बाद ही उन्होंने मना किया होगा। देखिए दुकानदारों ने यहाँ पर तो कहा है कि वो अब पूरी तरह से इस पर रोक लगाने वाले हैं, और जनता ने भी माना है कि काफी ज्यादा नुकसानदायक ये चीज है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर की जो ईट राइट चैलेंज 2 की ये पहल है सफल होती हुई राजधानी भोपाल में नजर आएगी, लेकिन ये देखना होगा कि लोग कितना अपनाते हैं इसको। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अखबार पर नाश्ता बंद होने से क्या असर पड़ेगा। अखबार में खाना परोसना बंद हुआ तो सामान महंगा हो जाएगा, तेल, बेसन पहले से ही महंगा है। ऐसे में अगर प्लेट की डिमांड बढ़ी तो कंपनियां प्लेट के दाम बढ़ा सकती है, और पोहा, जलेबी भी महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ेगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इस कदम का जहां एक तरफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इसे पूरे मध्य प्रदेश में बैन करना चाहिए, जिसके बाद जबलपुर में श्री खेरमाई जन कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष SS पांडे ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लगाया जाए ताकि खाने पीने के आइटम के साथ लोगों के शरीर में जहर न घुले। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही एक स्पेशल स्टोरी के साथ। नमस्कार।